तो देवियों और सज्जनों आ चुके हैं एक और गेम प्ले के साथ में। और एक्चुअली में ये कॉन्कर फिशिंग का गेम प्ले होने वाला है। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा था कि डुओ में कॉन्कर फिश स्टार्ट करूंगा, तो ये मैंने एक ही मैच खेला था और उसके बाद में मैं 5 दिनों के लिए गायब हो गया। तो इन 5 दिनों में मेरे साथ जो जो हरकतें हुई उनको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो वैसे मैं कर दूंगा एक्सप्लेन, अभी बता देंगे, टेंशन ना लो। कई लोग सोच रहे होंगे यार ये 5 दिन से गायब है, चक्कर क्या है, कुछ बवाल तो नहीं है। तो एक्चुअली मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट तो दे ही दिया था जो शॉर्ट्स डाल के, तो उससे आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मेरी तबीयत वगैरह खराब थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हरकतें हुई है मेरे साथ, क्योंकि देखो भगवान है ना भगवान, उन्होंने जो मेरी किस्मत का पेपर है उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। पता नहीं उनसे गलती से छूटा है या फिर कैसे छूटा, लेकिन उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली पन्ना कोरा पन्ना बस है ना। चल उन बातों को छोड़ते हैं। तो देखो क्या हो गया, जैसे ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला ना, वो मैं सोचा कि अप्रैल फुल बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता चला कि हाँ ऐसा ही लाइक समझ जाओ यार, अपडेट तो दे ही दिया था शॉर्ट्स में। और उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है, इस वजह से मैं निकल जाता हूँ। और अभी मैंने 5 दिन से पबजी भी नहीं खेला है। ये लास्ट गेम था मेरा जो मैं कॉन्कर पुशिंग के लिए खेला था, मतलब मैं सोचा कि डो में कॉन्कर लगा देता हूँ अभी, तो उस वजह से मैं खेला था। और ये काफ़ी अच्छा मैच भी गया था, तो मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ। और पता नहीं कब तक मेरी तबीयत अभी ढंग से मतलब सही होगी। अबे कोरोना वोरोना नहीं है कहीं कमेंट में लिखने लग जाओ कोरोना हो गया क्या, ना कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है। और इस वाले मैच में कतई हैकर वाले बंदे हुए आने वाला, कतई भयंकर वाला हैकर था वो, होता तो नहीं लेकिन पता नहीं टीममेट को लगा था वो हैकर, इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सो अभी गेम प्ले की बात कर लेते हैं, फालतू की बकवास बाद में करेंगे। बाद में तो क्या, अभी तो नॉर्मली कर लेते हैं, मतलब वैसे मैंने 5 दिन के बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा कड़ा चूक सा हूँ, तो समझ जाना। ओके और बेसिकली यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, वो भी 1 KM से, और रेंज काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं थी लेकिन थी थोड़ी बहुत दूर, तो थोड़ा सा फील हुआ कि है ना बंदा गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं क्या था क्योंकि मैंने इसको मार दिया बाद में, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आराम से प्रोन हो जाता हूँ, और वो बंदा लगातार फायर कर रहा था, तो मैं क्या करता हूँ नेट कर देता हूँ ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और इधर से निकल जाए, तो उसके बाद मैं टीममेट को रिवाइव दे सकूँ। तो बेसिकली आराम से इधर टीममेट को रिवाइव देता हूँ, उसने मैं ना उतने शील्ड वगैरह बना ली, और थोड़ा सा ना इधर वॉइस ओवर में दिक्कत हो जाए तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरी अभी सब कुछ प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है। लेकिन वो क्या ना इतने दिन हो गए, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यार डाल देता हूँ वीडियो, वरना गालियाँ पड़ने लग जाएगी कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद सीधे से अपन उठते हैं एंड अभी सीधे से पुश करेंगे। सो बेसिकली इस बंदे को अपन ने आराम से निपटा दिया है, और एक्चुअली में इलेक्ट्रो डैमेज की वजह से नॉक हो गया था। उसके बाद इसको अपन ने आराम से फिनिश किया एंड उसके बाद आते हैं इस वाली जगह पे, बहुत देर पैदल घूमे, उसके बाद फाइनली में ये डम्मक डोला सा मिलता है जिसको उठा के अपन निकल लेते हैं और जाते हैं अपनी अगली जर्नी की तरफ, मतलब बोले तो अगले स्टॉप की तरफ। और आते हैं इस वाली जगह पे जहाँ पे ड्रॉप कर लूटते हैं, और उतने में अपने ग्रोज वगैरह मिल जाते हैं और बंदे को पता चल जाता है कि भाई साहब बंदे सामने की साइड है। लेकिन उससे पहले आ जाती है एक गाड़ी, तो देखो किस तरीके से मारते हैं इनको। तो उन बंदों को तो नहीं मार पाते, लेकिन मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज मतलब मार देता हूँ, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो बॉट होता है। और उसके बाद सीधे से निकल जाते हैं हम लोग और आ जाते हैं एप्स में, जहाँ पे काफ़ी अच्छी अपनी फाइट्स होने वाली है, क्योंकि भाई इधर है ना 3 से 4 टीम्स बैक टू बैक रश करने वाली है, बैक टू बैक का मतलब घमासान युद्ध होने वाला है इधर, घमासान वाला। सो अभी देखो किस तरीके से अपन इन सारे बंदे को मारते हैं। तो यहाँ मैंने मेरे को बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, सबसे पहले मैंने ESP फेंका जिससे मेरे को बंदे की पोजिशन पता चल गई कि उधर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक नेट कुक करता हूँ एंड इसको फेंक देता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे डर था कि नहीं ये बंदा मेरे को ट्रैक करके मारने की कोशिश करेगा या फिर नेट करेगा, तो इस वजह से मैं इधर से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और निकल जाता हूँ। निकलने के बाद सीधे से आता हूँ ऊपर वाली जगह पे जहाँ पे टीममेट ने एक नॉक कर दिया नेट से, और उसके बाद मेरे को यहाँ से काफ़ी अच्छा एंगल मिलता है जिसको अपन ने आराम से मिला मतलब मार दिया। और उसके बाद आता हूँ इस वाली जगह पे जहाँ पे, क्योंकि ना पीछे की साइड एक स्कॉट थी मतलब एक डुओ था, तो उसको मारने के लिए आता हूँ मैं इस वाली जगह पर। जैसे मैं इधर आके TP भी लेता हूँ तो सामने से आती नज़र आती है एक गाड़ी, लेकिन उनको मैं मार नहीं पाता क्योंकि ये जो खिड़की है ना ये मेरे बीच में आ जाती थी, मतलब दिक्कत दे रही थी ये खिड़की। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने ट्रैक वगैरह कर लिया है बंदों को, और उन्होंने भी हमको ट्रैक कर लिया है, तो फाइनली में अभी देखो किस तरीके से फिनिश करते हैं इस वाली टीम को। जैसे टीममेट एक नॉक करता है तो आराम से मैं ऊपर घुसता हूँ और मार देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे इनको मारता हूँ उतने में आ जाती है एक और टीम,
जो जैसे ही आती है तो मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे प्रसाद देने के लिए, और जैसे ही यहाँ पे आता हूँ और कितनी बार जैसे बोलूंगा मेरे को पता नहीं। और इनको अपन ने प्रसाद दे दिया इधर आने का, उसके बाद सीधे से अपन ने इनको क्लच कर दिया, और क्लच करने के बाद अपन इधर से निकल जाते हैं और आ जाते हैं इस वाले। अच्छा किल नहीं बढ़े के कोई नहीं, वो ग्लिच की वजह से नहीं दिखा रहा। और आते इस वाली जगह पे, जहाँ पे आते सबसे पहले मैं ESP का गोला फेंकता हूँ, उससे पता चल जाता है कि दो बंदे, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे अपन बूम बम वाला नेट। तो देखो किस तरीके से फिनिश करते हैं इस वर्ल्ड टीम को। तो इसी के साथ ये वाली टीम भी फिनिश हो जाती है, और यहाँ पे आराम से इस वाली टीम को फिनिश करते हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं और आ जाते हैं दूसरी वाली जगह पे जहाँ पे जोन होता है। तो मैं आते ही सबसे पहले गाड़ी को सेफ लगा लेता हूँ, उसके बाद उतर के ऊपर पोजीशन लेने जाता हूँ, मतलब है ना कोई बढ़िया से एंगल मिल जाए तो मैं किसी को मार सकूँ। उतने में क्या होता है, मैं आगे जा रहा होता हूँ और पीछे से एक बंदा आ जाता है, मतलब पूरी टीम आ जाती है। तो मैं यहाँ पे फायर देता हूँ और पता नहीं कैसे लेकिन उस बंदे को हेडशॉट लग जाता है, उसके बाद टीममेट नॉक कर देता है। फिर मैं एक ESP फेंकता हूँ और ये वाले बंदे को तो अपन कतई अजीब ही तरीके से मारने वाले हैं, मतलब बहुत कम बार मार पाता हूँ ऐसी जगह से, मतलब इस तरीके से मैं। और इसी के साथ अपन ने इस बंदे को फिनिश कर दिया, और जैसे इसको फिनिश किया तो उतने में पीछे की साइड वे को टीम आ जाती है। तो एक्चुअली पहले उसी से फाइट ले रहे होते हैं, लेकिन उतने में ये बीच में आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, ये बंदा ऑम वगैरह चलाता है, तो एक पल के लिए मेरे को डर लगा था कि भाई साहब डर ना दे, लेकिन उसके बाद फिर अपन ने इसको नॉक कर दिया। और उसका जो टीममेट होता है वो पत्थर पे होता है, टीममेट ने मार्क लगा दिया है। लेकिन ये बंदा ऐसा खोपड़ा फोड़ता है ना, मैं कि बेटा भाग ले, रेड सी निकाल देगा ये बंदा ऑम चला दिया। तो गाइज फाइनली मैं अपन ने सारे बंदे फिनिश कर दिए, और इससे ज्यादा वॉइस ओवर नहीं होगा, मैं थक चुका हूँ। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका जो फेवरेट पार्ट है वो वीडियो का कैसा था। और देखो 5 दिनों से मैं इसलिए गायब था क्योंकि देखो फर्स्टली अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में बंद कर देंगे वॉइस ओवर को। तो देखो पहले तो मेरी तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होने के बाद मैं ना बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, समथिंग 1 से 1.5 महीने पहले से ट्राई कर रहा था बूट लोडर अनलॉक करने की, मतलब कस्टम रोम वगैरह लगाने की। तो फाइनली मैं जाके वो मेरा हुआ था कल परसों के दिन, और जैसे ही हुआ तो उसके बाद मैंने कस्टम रोम्स वगैरह ट्राई करी, लेकिन मतलब झंडे लेवल की किस्मत है मेरी, कतई झंडे लेवल की, एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ। फाइनली मेरे को वापस से MIUI पे आना पड़ा, वही लैगी सा गेम, मतलब मैं सोचा था कि यार बढ़िया सा स्मूथ गेम चलेगा लेकिन नहीं हो पाया। सो फाइनली मैं वापस से अपने को GFX टूल से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन करते हैं अभी ट्राई अगर दोबारा हो सके तो। वैसे नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को दुचाई नहीं करवानी पापा के हाथों में, मतलब पापा के हाथों से। तो मिलता है तब तक, बाय बाय, पीस आउट।